हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो देखिए, हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तिथियों का मतलब। देखिए, मैंने कमेंट देखे थे तो उसमें बच्चों का ये कहना था कि जो आपने चैप्टर बताए हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग थर्ड ग्रेड के, तो उसी के अकॉर्डिंग आप चैप्टर पढ़ाइए। तो यहाँ हम सभी बच्चों का ध्यान रखेंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकेंड ग्रेड की, या थर्ड ग्रेड की कर रहा है, या सेंट्रल लेवल की कर रहा है। ठीक है, तो सभी चैप्टर जो है वो पढ़ने बहुत जरूरी होंगे। तो सभी का ध्यान रखते हुए कोई भी चैप्टर जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह जो है इनके जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। इसे ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो है वो ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। और इस पुस्तक में हम 2000 को आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे गणना करेंगे? तो ये जो आरंभिक बिंदु माना गया है 2000 से माना गया है। ठीक है, जो कि ईसा मसीह के जन्म की बात बताता है। ठीक है, और इससे पहले का जो समय है जिसे हम क्या कहते हैं, ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले की स्थिति है। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट कहेंगे। कहीं कहीं पर आपको जो है वो BCE भी देखने को मिलेगा। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसे हम कहेंगे ईसवी। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसे, एनो डोमिनी कहेंगे, AD या CE, कॉमन एरा कहेंगे। अब गणना कैसे करेंगे? 2000 वर्ष को जो है माना गया है आधार, आरंभिक बिंदु माना गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो हम देखते हैं रेडियो कार्बन पद्धति से 2350 से 1750 BC, यही देखते हैं हम, यानी लगभग जो है 2500 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, मान लीजिए ऐसे हमने लिखा 2500 ईसा पूर्व। यदि हम इसे जो है वो साल में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे, इसमें 2000 प्लस कर लेंगे तो हमें पता लगेगा कि 4500 साल पहले जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। इसी तरीके से यदि हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो हमें पता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक का जो है वो समय माना जाता है। ठीक है, ये माना जाता है। तो इसी में जो है वो हम 2000 प्लस कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3500 साल पहले। इस तरीके से जो है वो गणना की जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर इतिहास और तिथियां, तो अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। इसका तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा के जन्म से पहले। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD या हिंदी में ईसवी लिखा होता है तो यह एनो डोमिनी नामक दो लेटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, तो क्या था कि पहले जो है हमारे यहाँ पर क्या चलता था, समय के लिए संवत चलता था, जैसे कि विक्रम संवत हो गया, हिजरी संवत हो गया, शक संवत हो गया, आप लोगों ने पढ़ा भी है। ठीक है, लेकिन जो अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जो है वो जहाँ वहां पर जो चलता था वही यहाँ पर जो है वो लागू कर दिया। ठीक है, ये AD है, CE है या फिर BC जो है, ये अंग्रेजों के द्वारा जो है यहाँ पर जो है इनको समय के निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाने लगा। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह जो है BCE का भी प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग जो है वो कॉमन एरर तथा BCE का बिफोर कॉमन एरर के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो कभी कभी अंग्रेजी के VP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है वो क्या याद रखना है, यहाँ पर आपसे जो है ये पूछा जा सकता है कि जो ईसा पूर्व है उसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, तो उसे जो है वो क्या कहेंगे, उसे कहेंगे BC, बिफोर क्राइस्ट फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, या BC को जो अन्य नाम क्या है तो उसका अन्य नाम जो है वो BCE भी कहते हैं इसको। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि CE जो है इसके फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एरा है। ठीक है, इसकी जगह जो AD लिखा भी मिलेगा, एनो डोमिनी।
तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अन्यत्र में देखिए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए। सभी अभिलेखों में लिपियों भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। नेक्स्ट देखिए, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी और मिस्री लिपि के दो प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल अक्षर के लिए जो है वो किसका चित्र बना हुआ है, ये देखिए, एल अक्षर के लिए जो है वो शेर का चित्र बना हुआ है। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लाइन थी वो मैंने आपको बता दी। उपयोगी शब्द देखिए, यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ठीक है, महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं वो भी बिल्कुल याद रखनी है आपको। कई बार जो है वो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बता दी कि कृषि का आरंभ जो है वो 8000 वर्ष पहले हो गया था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है वो 4700 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पर नगरों की स्थापना हुई। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य जो है ये 2500 वर्ष पहले, और वर्तमान जो है इसका तिथि का निर्धारण जो है वो हम आरंभिक बिंदु मानते हैं 2000 वर्ष को। ठीक है, तो चलिए अभी हम जो है क्या करने वाले हैं, चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करके देखेंगे और ये देखेंगे कि हम किस किस का जो है फटाफट से आंसर दे पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित का सुमेल करो। तो नर्मदा घाटी, यहाँ पर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि नर्मदा जो घाटी है यहाँ पर सबसे पहले आखेट तथा संग्रहण, यहाँ पर जो है मानव जो थे वो कैसे थे, यहाँ पर कुशल संग्राहक के रूप में जो है यहाँ पर हमें पता चलते हैं। मगध, मगध के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मगध जो है ये सबसे पहला जो है वो बड़ा और शक्तिशाली राज्य बना था। ठीक है, और उसके बाद देखिए गंगा घाटी के बारे में जो है वो हमने पढ़ा कि लगभग 2500 वर्ष पहले का नगर है। सिंधु घाटी जो है इसके बारे में पढ़ा हमने, सिंधु और इसकी सहायक नदियां जो हैं इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो है वो प्रथम नगर की जो है स्थापना होती है। ठीक है, 4700 वर्ष पूर्व। गारो पहाड़ियां, यहाँ पर जो है वो आरंभिक कृषि की गई थी, चावल के बारे में हमने पढ़ा था, गारो पहाड़ियां, विंद पहाड़ियां। नेक्स्ट देखिए, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। तो हमने बताया बहुत अच्छे से आपको कि पांडु का अर्थ होता है हस्त। ठीक है, तो जो हस्त लिखित जो थी वो पांडुलिपियां कहलाई, अभिलेख जो कि पत्थरों पर कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए, ये इसका जो है वो प्रमुख अंतर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमने बहुत अच्छे से चैप्टर को रीड किया और फटाफट से जो है क्वेश्चन के आंसर हमने लगा लिए। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।